हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और मैं चाय पी रही हूँ और नाश्ता कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का भी नाश्ता मैंने बना दिया है। और ये खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना है। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, तो इसलिए मैं चाय पीते ही फटाफट तैयारी कर रही हूँ लंच की। आज लंच में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, तो इसलिए उसके लिए मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। और अब मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी बार चाय पी रहे हैं, और मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। और अब मैं थोड़ा घर साफ़ करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाने से पहले अपना घर साफ़ सुथरा रखे रहूँ, तो इसलिए मैं आप देख सकते हैं कि घर कितना मैसी हुआ है। पूरा कपड़े इधर उधर पड़े हैं और बच्चे यहाँ खेले हैं, तो इस वजह से चारों तरफ फैला हुआ है। और मेरे हस्बैंड यहाँ लेट के चाय मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, सॉरी, और चाय रखी हुई है। और अब हम लोग चाय पियेंगे, फिर साफ़ सफ़ाई करेंगे। और मेरे बच्चे यहाँ सो रहे हैं, मैं उन लोगों को उठा रही हूँ कि उठ जाएं, तो बच्चे अभी उठेंगे, उनको नाश्ता दूंगी। और ये मेरे जो हैं आलू रेडी हो गए हैं, और अब मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। और अब मैं इन आलुओं को छीलूँगी, और एक साइड में मैंने सोचा कि लो मैं एक फेस मास्क लगा लेती हूँ। और ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और कैसे ये मैं बना रही हूँ इसकी, इसको देखना ना भूलें मेरे चैनल पे। और मैं इसको लगाऊंगी और फिर अपने काम में लग जाऊँ।
और मेरा पूड़ी का बेसन जो है हो चुका है। अब मैं पराठे के लिए यानी पूड़ी के लिए आटा गूंदूंगी। तो मैंने यहाँ नमक डाला है और नमक डाल के मैं आटा गूंद लूँगी। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ, नमाज़ पढ़ कर आ गई हूँ। अब मैं फटाफट से आलू के पराठे बनाऊँगी और सबको सर्व करूँगी।
लोग लंच करने के बाद निकल गए हैं वादी हनीफा के लिए। तो अब हम लोग वादी हनीफा जा रहे हैं और हम लोग के साथ हम लोग के फ्रेंड्स लोग भी हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और उनकी फैमिली है और मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने। वो वादी, वहाँ पे वादी है तो इसलिए वहाँ उसका नाम वादी हनीफा है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी और क्योंकि कई फैमिली होती हैं तो सबको कैमरे में आना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ व्लॉगिंग नहीं करूँगी। और वहाँ हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं तो फुल इंजॉयमेंट होगा। और ये रास्ते हैं आप देख सकते हैं और धूप बहुत अच्छी निकली है। यहाँ हम लोग अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा आगे निकल गए हैं तो अब हम लोग यहाँ रुक के थोड़ा सा इधर उधर का नज़ारा ले रहे हैं, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वादी हनीफा बहुत शाम हो गई थी और ठंड बढ़ गई थी तो हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। तो हम लोगों को कुछ सामान भी लेना था तो हम लोग हाइपर लुलू आ गए थोड़ी देर के लिए और फिर सामान लेके हम लोग घर आ गए। और ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।